हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज तीन बोर्ड आया है। तीन बोर्ड में से दोनों बोर्ड का प्रॉब्लम सेम है। मुझे कहा गया है, ये मेरा शॉप पे आता है ये बोर्ड, जो कस्टमर ने बोला था कि दोनों में ही बीजी आउट नहीं हो रहा है, लेकिन कीबोर्ड में नम लॉक ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ। ये वाला जो बोर्ड है, इसको पहले भी किसी ने सर्विसिंग किया होगा, रिपेयर, तो देख के पता चल रहा है। वो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, पहले एक जगह दिया था, रेडी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जिस भाई ने ये काम किया, हीट दे के एकदम पूरा ये सॉकेट को बर्बाद कर दिया। पता नहीं, नया हाथ होगा शायद। तो इस बोर्ड को साइड में रखते हैं। और ये है 81, इसमें भी सेम इशू है, तो ये फ्रेश लग रहा है मुझे। चलो इस बोर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, बीजीए क्यों चला जाता है, यूएसबी क्यों काम नहीं करता, ये भी मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए देखते हैं। पेस्ट डाल दिया। चलो डिबगर कर लगा देते हैं, एक डिबगर कर लगा दिया। अब इसे ऑन करते हैं, ठीक है। चलो इसे ऑन करते हैं। ये देखो, ये डिस्प्ले आ चुका है ये भी, ठीक है। अभी मैं इसका कीबोर्ड लगा के दिखाता हूँ। मैंने ये कीबोर्ड इंसर्ट किया, तो अब देखो, ये है कीबोर्ड। इधर कीबोर्ड में लाइन है, ठीक है, देख सकते हो कीबोर्ड में लाइन है। लेकिन मैं दिखा दूँ, मैं ये बीजे केबल लगा रहा हूँ। ये जो केबल है मैंने लगा रहा हूँ, मेरे पास एक ही केबल है, ठीक है। और इसी केबल इस मॉनिटर में है, देख सकते हो आप, कोई डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, इसी बोर्ड का ही है, देख सकते हो। बोर्ड चल रहा है, कोड थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो फ्रेंड आप। मैं एक बार रिस्टार्ट कर दिया, देखो चेंज हो रहा है कोड। अब देखो डिस्प्ले नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है डिस्प्ले ये भी, पर यहाँ पर नहीं आया। तो इसे रख लेता हूँ, तो मैं अब कर देता हूँ इसे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। एसएमडी को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ तो समझ जाओगे आप। ये ब्रिज है, थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा है ये बोर्ड। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है एसएमपीएस से, ठीक है। जब पावर सप्लाई में कभी कभार ज़्यादा वोल्ट या फिर कुछ होता है फ्लक्चुएट, तब जाके इसका ब्रिज में असर पड़ता है, ठीक है। और ब्रिज में जब असर पड़ता है, तब कभी कभार यूज़ में काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन ख़राब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज जब ओवरफ्लो होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं ठीक से दिखा दूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दो, ये एक तीन, इसके अंदर और इसके पीछे दो, ये देखो, ये एक और ये एक, ये वाला ये राड होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन, तो ये वाला ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये काम नहीं करता है। तो इस बोर्ड का तो कीबोर्ड या यानी कि यूएसबी का कोई इशू नहीं है, ओनली वीजीए का इशू है। तो मैं पहले एक काम करूँगा, यहाँ पर दो प्रोटेक्शन है, एक दिखा दूँ मैं, एक ये वाला और मैं पास से दिखा दूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ये पहले ये दोनों को मैं हटा दूँगा, रिमूव करूँगा, उसके बाद जाके एक बार मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं, बने रहिए मेरे साथ, मैं इधर ले लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा, दिख रहा है।
सेकंड, हाँ दिख रहा है, ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ डाल देता हूँ नीचे, आपको और भी अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पेस्ट डाल देता हूँ इसमें और इसमें दोनों में। ठीक है, तो मेरा आइसक्रीम भी हीट हो चुका है, बने रहिए, मैं इसे थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो निकालते समय ध्यान रहे आसपास में बहुत सारा छोटा छोटा रजिस्टर होता है, ये अगर एक भी उठ गया तो ये बोर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, पहले एक उठाया और ये है दोनों, नंबर टू मैं दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है क्लियरली, ये जो प्रोटेक्शन होता है दो, मैंने इसे उठा दिया। ठीक है, एक ये और एक मैंने साइड में रखा हूँ और एक ये, इस दोनों को मैंने उठा दिया, देख सकते हो। ठीक है, दोनों को साइड में रखता हूँ, चलो उठा दिया, अब थोड़ा सा क्लीन कर देंगे यहाँ पर कॉटन से, थोड़ा सा क्लीन कर देंगे कॉटन से, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट रहेगा तो भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर कर दिया, चलो अब एक बार पावर देकर देखते हैं क्या हुआ है। मैंने पावर लगा दिया, डाल दिया, कट को भी डाल देते हैं, कीबोर्ड को मैंने पहले इंसर्ट करता हूँ, स्विचिंग करना है, अब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड, कोडिंग ले रहा है, ये कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है इसका, देख सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, मगर VGA केबल मैं लगा के देखता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ही वीडियो को डालूंगा। ठीक है, हाँ हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो BIOS has been reset, please decline how to continue, enter BIOS। ठीक है, तो इसका BIOS का थोड़ा सा पासवर्ड का इशू है, मैं वो देख लेता हूँ, लेकिन ये जो VGA आउट नहीं हो रहा था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट करता हूँ, इसका BIOS पासवर्ड प्रोटेक्टेड है इसीलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले आ चुका है प्रॉपरली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो वीडियो को अब मैं डालूंगा और आप भी कर सकते हो, एकदम सिंपल बात है, तो पहले समझना पड़ेगा इशू क्या है। ठीक है, लेकिन ये जो बोर्ड है ये टेम्पोरली रिपेयर है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, और यहाँ पर अगर वो कंपोनेंट ख़राब हो चुका है, अगर आप चाहो तो उसे सेम बोर्ड से ढूंढ के या फिर कई भी बोर्ड से सेम वैल्यू का ढूंढ के अगर आप लगा देंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, वो तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने हटा दिया फिर भी चल रहा है। तो ये वीडियो जो नया सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ही है, जो पुराना है काम जानते हैं उन लोगों के लिए तो नहीं है, वो तो जानते ही हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना, लव यू ऑल, वंदे मातरम।